आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है और आपकी जो किस्तें होती हैं वो आपके खाते में नहीं पहुंच रही हैं। आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ मिलता था वो आपको पैसा होल्ड हो गया है या स्टॉप हो गया है दोस्तों। या दोस्तों आप जब अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको सब कुछ ओके लगता है, फिर भी आपका पेमेंट नहीं आता है दोस्तों। दोस्तों यदि आपका पेमेंट नहीं आया है और आपकी किस्तें होल्ड हो गई हैं, आपकी किस्तें रुक गई हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। दोस्तों जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका लैंड सेटिंग यस होता है, एलिजिबिलिटी यस होता है, यह सब कुछ जानते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आप यह भी नहीं जानते हो कि आपका आधार कार्ड लॉक है या अनलॉक है या DVD से डिसेबल हो चुका है या DVD से इनेबल है, दोस्तों यदि आपका आधार कार्ड लॉक होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का और आपका पैसा किस्तें जो होंगी वो आपकी होल्ड रहेंगी और आपकी किस्तें डिले होती रहेंगी, आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि इसे कैसे चेक करते हैं, यदि दोस्तों आपको नहीं पता कि कैसे पैसा चेक करते हैं, कब हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है और जैसे ही आप कंटिन्यू अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं वैसे ही आपको सेम चेक करना है। जो किसान भाइयों को नहीं पता कि बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करते हैं तो उनके लिए आपको आ जाना है pmkisan.government.in इस पोर्टल पर आ जाना। इस पोर्टल पर आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों बेनिफिशियरी जैसे स्टेटस पे आप ओके करेंगे वैसे ही हम इससे लॉगिन कर सकते हैं। दो तरीके होंगे हमारे पास में लॉगिन करने के। पहला होगा हमारे पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए या हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दोस्तों इन दोनों में से हमारे पास दोनों चीज़ें होना चाहिए जब भी आपके पास में यह फॉर्म खोल सकते हैं। यदि आपके पास में मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पर टिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद में यह कैप्चा डालेंगे। दोस्तों कैप्चा का खासकर आपको ध्यान रखना है, जो कैप्चा आपको स्मॉल मतलब आपको छोटा अक्षर या बड़ा अक्षर देख के आपको डालना है, जैसा छोटा अक्षर या बड़ा अक्षर स्मॉल या कैपिटल में है जैसे ही आपको डालना है और गेट ऑफ डाटा पे ओके करेंगे दोस्तों। जैसे आप गेट ऑफ डाटा पे ओके करेंगे वैसे आपका फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। यहां से आपको फॉर्म खुल जाएगा और आपको सभी फॉर्म की जानकारी आपको नजर आ जाएंगे दोस्तों। यहां से अपना फॉर्म देख लेंगे दोस्तों। कुछ लोगों का जो वीडियो में कमेंट करते हैं भैया कि हमारा सर कि आपका हमारे पिताजी का नाम NA आ रहा है या स्टेट का नाम NA आ रहा है या विलेज ना आ रहा है या वार्ड नंबर ना आ रहा है या डिस्ट्रिक्ट ना आ रहा है दोस्तों हम बता दें यदि आपके पिताजी का नाम NA आ रहा है, पिताजी का नाम नहीं शो कर रहा है या आपका स्टेट नाम शो नहीं कर रहा है या आपका वार्ड विलेज का नाम नहीं आ रहा है या आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम ना आ रहा है या आपका टाउन का नाम ना आ रहा है दोस्तों, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसे आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो रुकने का नहीं, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता रहेगा यदि आपका विलेज हो या ना हो। विलेज दोस्तों कंपल्सरी नहीं है कि विलेज आपका आना ही चाहिए या स्टेट आना चाहिए या आपका डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए दोस्तों और भी और यहाँ से पिताजी का नाम भी नहीं आना चाहिए दोस्तों। यहाँ से पिताजी का NA है फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। या आपका फादर नेम है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी भाई में जो भी है अपडेट चल रहा है पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट चल रहा है, आगे आके जो अपडेट आ रहा है कुछ किसान भाइयों का अपडेट हो गया है तो उनका विलेज नेम शो नहीं करेगा, वार्ड नंबर शो नहीं करेगा, स्टेट नंबर शो नहीं करेगा और फादर नेम शो नहीं करेगा और डिस्ट्रिक्ट आपको शो नहीं करेगा, टाउन आपको शो नहीं करेगा। यहाँ से कुछ करेक्शन किए जा रहे हैं, अपडेट चल रहा है पोर्टल पे। और दोस्तों जो मेन चीज आ गया कि कुछ किसान भाइयों को पैसे नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, जो कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें 5 किस्तें मिलेंगी, छठी नहीं मिल रही, सातवीं, आठवीं, नवीं या 13वीं किस्त नहीं मिली है दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें 12वीं किस्त मिल गई और 13वीं किस्त नहीं मिली। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने KYC करा दी है और KYC कराने के बाद में जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होता है वो उनके खाते में नहीं पहुंचा है। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने KYC करा रखी है, सब कुछ करा दिया है, फिर भी उनका पैसा उनके खाते में नहीं पहुँचा है दोस्तों हम बता दें इस फॉर्म में आपको देखना क्या है और हल्के से बारीकी तरीके से आपको देखना है फॉर्म में प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों। हम मेन चीज आपको टॉपिक बता दे रहे हैं, जैसे मेन चीज आपको यहां से देख लेना है आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस। दोस्तों जो आधार कार्ड का स्टेटस है आपको सक्सेस होना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड का जो सक्सेस आ रहा है यहाँ पे इनवैलिड आता है,
या आपको रिजेक्टेड आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्तें होती हैं मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपके पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होल्ड हो सकता है। दोस्तों यदि आपकी ए केवाईसी डन है, ए केवाईसी नो आ रही है, यदि ए केवाईसी नो आ रही है फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिल सकता है। कुछ चांस होते हैं मिलने के और कुछ चांस होते हैं आपको नहीं मिल सकता है। कुछ चांस होते हैं दोस्तों, जो पहले जो किस्तें आई थी कुछ किसान भाइयों की ए केवाईसी डन नो आ रही थी फिर भी इनकी किस्तें आई थी। फिलहाल जो आप किस्तें आ रही हैं 13वीं किस्त से जो स्टार्ट हुआ है, जिनकी ए केवाईसी नो आ रही है उनका पेमेंट उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों तीसरा आ गया यहाँ से एजिबिलिटी। दोस्तों जो आपकी एजिबिलिटी है आपको देख लेना चाहिए कि आपकी एजिबिलिटी क्या है। दोस्तों यहाँ से देख लेंगे, जो हमारा एजिबिलिटी यस होना चाहिए जब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। यदि आपकी एजिबिलिटी नो है, दोस्तों एजिबिलिटी नो जो कैटेगरी होती है वो आपकी एजिबिलिटी मतलब आपकी पात्रता क्या है, आप इस चीज के पात्र हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं, जब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होगा वो आपको खाते में पहुंचेगा। दोस्तों जो पात्र होते हैं, जैसे आपके पास में जमीन थोड़ी सी है, आपके पास इस चीज के पात्र हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप कोई टैक्स पेयर नहीं कर रहे हैं, आपका कोई कंपनी नहीं है या आप कोई जॉब बड़ी सी जॉब नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आप पात्र हो सकते हैं। यदि आप इन चीजों में से नहीं है तो आप यस होगा और एजिबिलिटी यस होगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कुछ किसान भाइयों के खाते में ऐसा रहा है पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है, दोस्तों कुछ किसान भाइयों के खाते में पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है तो उनका जो पैसा होता है वो स्टॉप हो गया है और उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, कुछ किसान भाइयों को आधार मोड हो गया है। दोस्तों जो आधार मोड हो गया है उनका पैसा डीबीडी माध्यम से पहुंच रहा है उनके खाते में। दोस्तों जहां अकाउंट दिख रहा है और उनका अकाउंट जहां से आधार कार्ड की जगह अकाउंट दिख रहा है और अकाउंट नंबर दिख रहा है, आईएफएससी कोड दिख रहा है, तो उनसे उनका भी पेमेंट अभी होल्ड हो गया है। उनका भी किसी किसी का पेमेंट पहुंच रहा है खाते में, किसी किसी का नहीं पहुंच रहा है, पोर्टल का अपडेटिंग चल रही है, इसकी वजह से पैसा डिले हो रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ से देख लेंगे पीएमएस बैंक स्टेटस। दोस्तों जो मेन रीजन आता है बैंक स्टेटस में आता है फार्म रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आता है या पीएमएस बैंक आता है। दोस्तों यदि फार्म रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आता है या फार्म रिकॉर्ड हैज बीन पेंडिंग आता है या करेक्शन आता है तो भी आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। या फार्म रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड आए, यहाँ यदि फार्म रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपके खाते में पहुंचेगा। दोस्तों यदि दोस्तों आपकी लैंड सीटिंग यस है तो आपको पेमेंट मिल सकता है पीएम किसान सम्मान निधि का। यदि लैंड सीटिंग नो है, नो का मतलब आपके पास में जमीन नहीं है या जो लेखपाल की तरफ से जो सर्वे होती है उसके हिसाब से आपको जमीन से नील कर दिया गया है, आपको जमीन नहीं दिखाई गई है, उसके लिए आपको यहां से नो दिखाया गया है। दोस्तों यहां से समस्या आपको बहुत से देख लेना है, अच्छे से देखना है, समस्या बहुत है यहां पे। यदि आप अपने समस्या देख लेंगे कि हमारे लैंड सीटिंग यस है या एजिबिलिटी यस है तो हमें पैसा मिल जाएगा या हमारी ए केवाईसी डन है तो हमें पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अपना फॉर्म अच्छे से चेक करना है, यदि आपको सब कुछ अच्छा पाया जाता है तभी आपको पीएम किसान की जो किस्तें हो रही है 14वीं तो आपको मिलेगी। दोस्तों यदि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की यदि इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो 14वीं जो किस्तें आ रही हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। इसमें से आपको सभी कुछ डेटा सही होना चाहिए तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिलेगा। दोस्तों जो लास्ट आ गया है यहाँ से देख लेंगे कि हमारा आधार कार्ड, जो आधार कार्ड कुछ किसान भाइयों का ब्लॉक हो गया है, मतलब ब्लॉक मतलब यानी कि डिसेबल डीवीडी से ब्लॉक हो गया, इनका डीवीडी से ब्लॉक के मतलब इनका खाता ब्लॉक हो गया, इनका खाते में पैसा नहीं जा रहा है डीवीडी माध्यम से, इसलिए रीजन के पैसा नहीं आ रहा है। दोस्तों एक किसान भाई इनका अकाउंट देखो यहाँ से आ रहा है यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीवीडी कॉन्टैक्ट योर बैंक टू लिंक आधार कार्ड विद अकाउंट। मतलब दोस्तों इनका जो अकाउंट है इनका डीबीडी माध्यम से अकाउंट लिंक नहीं है, डीबीडी इनेबल नहीं है, डीबीडी चालू नहीं है, इस वजह से इनका आधार कार्ड है वो डिसेबल कर दिया गया है डीबीडी माध्यम से दोस्तों, और इनका जो पैसा होगा वो इनका खाते में कभी नहीं पहुंचेगा जब तक इनका जो खाता होता है वो चेंज नहीं कराएं। दोस्तों जो कुछ किसान भाई आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो डीबीडी है डिसेबल हो गया है और बैंक हमारा चालू नहीं हो रहा है। दोस्तों इस रीजन में आपको क्या करना है, दोस्तों यहां से दो रीजन मिल जाएंगे और दोनों रीजन का एक ही समाधान आपको मिल जाएगा। दोस्तों इन रीजन में आपको देखना है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आता है या फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन पेंडिंग आता है या फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन करेक्शन आता है। दोस्तों ध्यान से देख लेना, दोस्तों तीन चीजें ये हो गई, या यहां से बैंक रिजेक्शन रीजन आ रही है, डिसेबल फॉर डीवीडी आ रहा है या कॉन्टैक्ट बैंक आता है। दोस्तों इन सभी का समाधान आपको एक ही है,
आप किसी भी बैंक में खाता नया खुलवा लें, खाता नया खुलवा लें, या उसमें अपने DBT जो कॉलम होता है को इनेबल कराएं। दोस्तों यदि आपको खाता नया खुलवाते समय आपको बोल देना है हमारा DBT इनेबल चालू रखना है, जो भी गवर्नमेंट का जो पैसा होगा वो हमारे खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। दोस्तों DBT इनेबल सबसे बढ़िया आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते में हो रही है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता है उसमें DBT आपको 100% इनेबल मिलती है, चालू मिलती है, और आपको पहले ही से ही आपको DBT इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन आता है। तो आपको DBT इनेबल रखना है, आप कहीं भी खाता उसे ऑनलाइन भी खोल सकते हैं या किसी भी पोस्ट ऑफिस जाके भी खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खुलवा सकते हैं। और इन रीजन के बाद में आपको फॉर्म रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड हो जाएगा, और यहां से बैंक जो रीजन आती है वो आपकी एक्सेप्टेड हो जाएगी, डेट आपको शो करने लगेगी और आपको पेमेंट मिलने लगेगा। आपको पीएम किसान सम्मान निधि को जो पेमेंट रह गया है, जो किस्तें आपकी 5-5 रुक गई या 6-6 किस्तें रुकी हैं या 5-2 किस्तें रुकी हैं, वो आपको सभी पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। और आपको सभी किस्तें जो कंटिन्यू आपकी 14वीं किस्त है वो भी आपको मिलने लगेंगी, जो भी कंटिन्यू किस्तें आने वाली हैं वो आपको मिलने लगेगी। दोस्तों यदि आपको यहां से एलिजिबिलिटी नो है, दोस्तों एलिजिबिलिटी आपकी नो है, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनकी एलिजिबिलिटी नो आ रही है यस की जगह, तो उन किसान भाइयों को क्या करना है? दोस्तों उन किसान भाइयों को अपनी तहसील या किसी विभाग में संपर्क करना है, उसके वहां से अपना जो आधार कार्ड, बैंक की किताब और इंतकाब लेके जाना है, और वहां से जो कृषि विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनके संपर्क करना है, और वहां से उनका एलिजिबिलिटी यस कर देंगे। एलिजिबिलिटी वो यस का प्रोसेस है, आपका एक मंथ के अंदर अंदर एलिजिबिलिटी यस हो जाएगी और आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपके खाते में पहुंच जाएगा। दोस्तों जैसे ही लैंड सीडिंग सेम है, लैंड सीडिंग आप फिजिकली आप तहसील या ब्लॉक की या आप कृषि विभाग से भी करा सकते हैं, लैंड सीडिंग यस करा सकते हैं, या आप लेखपाल के पास भी चले जा सकते हैं, उसके जरिए भी आप लैंड सीडिंग यस करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे उसी टाइम, दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।